स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के फेसबुक लाइव और कार्यक्रम ऐसा कैसे हुआ में और आज चर्चा होगी एक ऐसी लूट की जो भुलाई नहीं जा सकती उत्तरकालीन मुगल शासन के दौर की बात है जब दिल्ली के तख्त पर थे अबू अल फतेह नसरुद्दीन रोशन अख्तर मोहम्मद शाह यानी कि मशहूर जो उनका नाम था वो था मोहम्मद शाह रंगीला और उस दौरान एक ईरानी शासक ने दिल्ली को लूटा यूँ तो दिल्ली को 14वीं सदी में तैमूर ने भी लूटा था लेकिन जिस क्रूरता से नादिर शाह ने लूटा उसकी अगर हम आज चर्चा करें ऐसा कैसे हुआ में तो आपको पता चलेगा कि ना सिर्फ 348 साल की जो मुगल का धन है उसको एक झटके में लूट गया बल्कि ऐसी कत्लेआम उसने किया कि आज भी अगर उन पन्नों को आप पलटेंगे तो वहाँ पर सिर्फ खून की नदियाँ दिखेंगी और वो खून सूखा नहीं होगा किस तरह का कत्लेआम हुआ था ये तो हम जानेंगे रिहान फजल जी आज आपके ज़रिए लेकिन सबसे पहले जानेंगे ये जो ईरानी शासक था नादिर शाह ये कौन था कहाँ से आया था देखिए पर्सिया पहले ईरान को पर्सिया कहा जाता था वहाँ के शासक थे 1688 में नादिर शाह का जन्म हुआ था और शुरू में चोरी डकैती किया करते थे ये ख़ानदानी बादशाह नहीं थे और फिर इन्होंने कलात के किले पर कब्जा कर लिया था अपने चचा की ही हत्या करके अच्छा। और फिर खासा इन्होंने नाम कमाया बहुत बहादुर तो थे ही डिप्लोमेसी में भी इनका कोई जवाब नहीं था आ, लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े मैं एक शेर सुनाना चाहूँगा दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है जो भी जो भी गुजरा है उसी ने लूटा है हालांकि कंटेक्स दूसरा है कंटेक्स उसका है। लेकिन जिस लूटने की बात हो रही है ये वही लूटने वाले हैं तैमूरलंग या फिर आ, नादिर नादिर शाह और सत्रह सौ में भारत पर उन्होंने हमला किया था और दिल्ली को बिल्कुल एक तरह से नेस्ता नबूद कर दिया था और आठ पीढ़ियों से जमा किया हुआ जो धन था मुग़लों का वो एक गो में मतलब एक क्षण में आ, जिसे कहते हैं आ, आ, वो लूट लिया गया और इनके जो आइडियोलॉज जिनको ये आ, बहुत पसंद करते थे वो थे थे चंगेज खाँ और तैमूर लंग और दिलचस्प बात ये है कि ये आ, इनकी जो दाढ़ी थी इसको ये हमेशा ब्लैक मतलब काले रंग में उसको डाई करते थे जबकि इनके पूरे बाल सफ़ेद थे जब ये भारत आए हैं तो आ, इनकी उम्र थी इक्यावन साल इक्यावन साल जब ये आए हैं और है। राजवंश से थे जो, जी, अच्छा। जी, जी। अच्छा, तो रिहान जी इन्होंने दिल्ली को लूटने का क्यों सोचा और उस वक्त शायद मुगल इतना कमजोर भी था काफी तो किस क्यों सोचा उन्होंने लूटने को और क्या उनके इरादे थे यहाँ पर देखिए औरंगज़ेब की मृत्यु के इकतीस सालों के अंदर जो दिल्ली जो एक समृद्ध दिल्ली थी उसका एक तरह से पतन होना शुरू हो गया था और औरंगजेब की मौत के तेरह साल के अंदर सात बैटल ऑफ सक्सेशन हुए हैं जो जिसे कहते हैं आ, लड़ाई आपस में क्योंकि मुग़लों में ये नियम नहीं था कि जो सबसे बड़ा है वही बादशाह बनेगा जो युवराज होते थे उनमें संघर्ष होता था तो इस तरह से सात बार लड़ाइयाँ हुई हैं उत्तराधिकार के लिए और उसमें जाहिर है कि टॉप इंटेलक्चुअल्स टॉप सैनिक और बहुत से लोग आ, मारे गए और फिर इनका ह्रास होना शुरू हो गया इन्होंने महिलाओं की तरफ ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया इंट्री काउंटर इंट्री हैरम इसकी वजह से आ, इनका पतन होना शुरू किया सत्रह में मराठा जो वॉरियर थे बाजीराव वो दिल्ली तक पहुँचे और उन्होंने भी एक तरह से लूट मचाई दिल्ली की तो ये सब एक तरह से सिग्नल थे बाहर के लोगों को आने के लिए नादिर शाह ने तीन अपने इन्वॉइस भेजे हैं दिल्ली Uh, सबसे पहले जब वो uh, कंधार पर कब्जा करने वाले थे तब उन्होंने एक एन को भेजा है दिल्ली में कि आ, काबुल में जो आपका सूबेदार है उनसे आप कहें कि जो लोग वहाँ भाग कर पहुँचे तो उनको अपने यहाँ न घुसने दें और फिर दूसरा इन्ये भी इन्होंने भेजा है आ, इनके पास और फिर तीसरा इन्ये इनका पहुँचा है आ, जो मोहम्मद शाह हैं इनके पास अब दिक्कत ये थी कि आ, और इन्होंने शिकायत की कि हमने जो आपसे गुजारिश की थी आपने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया उनका जो तीसरा इन्वॉय था यहाँ करीब एक महीने तक रहा और उससे मिलने का इनके पास समय नहीं था और बल्कि इस बात पे बहस हो रही थी कि नादिर शाह को किस नाम से या किस टाइटल से सम, संबोधित किया हुँ। जाए हुँ। तो नादिर शाह को गुस्सा आ गया कि भाई हमारी इतनी भी पोष नहीं है तो उन्होंने तय किया कि वो अब भारत पर हमला करेंगे सत्रह सौ उनतालीस का साल था और उन्होंने तय किया कि वो अब जिस तरह से उन्होंने अफग़ानिस्तान पर हमला किया है भारत पर भी हमला करेंगे बिल्कुल और मुग़ल शासन की बात करें तो अफगानिस्तान तक पूरा लगभग फैला हुआ था कांधार पर जब उन्होंने कब्जा किया नादिर शाह ने लेकिन रिहान जी यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगी नादिर शाह ने जब कांधार में हमला किया और और भी आगे वो बढ़ते चले गए करनाल तक जब पहुंचे तो उस पर बात होती करनाल में मोहम्मद शाह जो है वो वहां पर उनसे लड़ने के लिए युद्ध के लिए पहुंचे थे लेकिन इतनी देरी लगा दी और वो उस युद्ध में जब वो गए तो वो किस तरह का था उस ये बिल्कुल अचानक नहीं हुआ सबसे पहले आ, नादिर शाह ने पेशावर पर हमला किया पेशावर भारत का हिस्सा था पेशावर पर कब्जा किया फिर वो लाहौर आए तब भी यहाँ दिल्ली में बैठे जो शासक थे उनको नहीं। ये नहीं लगा कि उन पर भी ख़तरा आ सकता है लाहौर भी आ, 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 उनके हाथ चला, चला, चला गया और फिर नादिर शाह की जो सेना है वो करनाल पहुँची जो कि दिल्ली के पास है साठ सत्तर किलोमीटर है अभी भी करनाल है वहाँ पर पचपन हज़ार घोड़सवारों की नहीं। उनकी नहीं। सेना थी जबकि इम्पीरियल आर्मी जो बादशाह की सेना थी उसमें तीन लाख लोग थे और उसमें करीब दो हज़ार लोग आ, वो कर रहे थे दो हज़ार हाथी भी थे और सुबह ही सुबह होने से पहले ही जो नादिर की सेना थी उन्होंने सराय अजीमाबाद से मार्च किया है और जो करनाल की जो नहर है नौ मील पूर्व में उसको उन्होंने क्रॉस किया है और करनाल से करीब छः मील ईस्ट में उन्होंने कैंप किया है अपनी पूरी सेना को और दिलचस्प बात यह है कि बादशाह के एक जनरल थे सादत खां उनको जिम्मेदारी दी गई थी सबसे पहले नादिर शाह को टैकल करने की और ना, नादिर शाह के सैनिकों ने ये दिखावा करने की कोशिश की कि सादत खां उनके पीछे आ रहे हैं और सादत खान उनके पीछे अपने घुड़सवारों के साथ थे और करीब चार किलोमीटर तक आ, इसी तरह पीछे होता रहा फिर एकदम से नादिर शाह के जो सैनिक थे दाई तरफ गायब हो गए और वहाँ पहले से तैयार लोग बैठे हुए थे करीब हज़ार घोड़सवार और उन्होंने एक तरह से पॉइंट ब्लैंक रेंज से सदत खां पे हमला किया और हालांकि भारतीय सेना बहुत बहादुरी से लड़ी लेकिन आ, कोई आ, मुकाबला नहीं था वो लोग गोलियों का इस्तेमाल कर रहे थे जबकि ये लोग तीर कमान का इस्तेमाल कर रहे थे और संख्या में भी ज़्यादा थे मुग़ल फिर भी मुग, लेकिन तकनीक नहीं थी वॉर की जो हुँ। हुँ। वो लोग उन लोग के पास बेहतर हथियार थे बेहतर तकनीक थी और हालांकि सादत को चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया था आ, नादिर शाह के सैनिकों ने लेकिन वो अपने हौदे पर बैठकर हाथी के हौदे पर बैठकर लगातार बाढ़ चला रहे थे लेकिन एक बड़ी दिलचस्प घटना हुई कि नादिर शाह के एक सैनिक ने इनको आ, सादत खां का जो मूल था वो ये ईरान के ही थे तो ईरान के एक सैनिक ने आ, नादिर शाह के एक सैनिक ने कहा कि तुम किससे लड़ रहे हो और क्यों लड़ रहे हो इन लोगों के साथ क्यों लड़ाई लड़ रहे हो तो उसने अपने भाले को जमीन पर गाड़ा है और जो सादत खां का के हाथी से जो रस्सी लटक रही थी उसको पकड़ के वो हाथी पर चढ़ गया उनके हौदे पर और उसने सादत खां को ओवर पावर किया है और फिर सादत खां के सामने कोई चारा नहीं रहा आ, सरेंडर करने के अलावा तो इस तरह से सादत खां पर आ, उन्होंने कंट्रोल किया है और आ, तीन घंटे के अंदर एक तरह से लड़ाई ख़त्म हो गई और ये जोहर के समय शुरू हुई थी और असर की प्रेयर आते आते असर की नमाज़ होते होते ये लड़ाई ख़त्म हो गई और हालांकि नादिर शाह के जो कोर्ट हिस्टेरियन हैं वो बहुत ही एग्जरेटेड अकाउंट देते हैं उनका कहना है कि तीस हज़ार सैनिक उन्होंने मोहम्मद शाह के मारे हैं और उनके करीब आ, ढाई हज़ार सैनिक मरे हैं इस पूरे उसमें लेकिन ये लगता नहीं कि तीन घंटे की लड़ाई में तीस हज़ार सैनिक मारे गए हालांकि इसके बारे में बहुत कई जिसे कहते हैं कई मतभेद हैं ये देखिए बहुत मशहूर किताब है नादिर शाह के ऊपर जदुनाथ सरकार भारत के मशहूर इतिहासकार हैं उन्होंने लिखी है ये किताब और उसमें भी इस पे जिक्र नहीं है कि कितने लोग मारे गए लेकिन यह था कि कॉम्प्रिहेंसिव जीत थी की आपको क्या कारण लगते हैं कि इतना देरी क्यों हुई जागने में क्योंकि करनाल तक पहुंच गए थे फिर युद्ध करना जबकि कानधार और आपने खुद बताया कि कैसे पेशावर को भी कब्जे में कर लिया गया इन्होंने सीरियसली लिया ही नहीं ये समझ रहे थे कि ये मतलब एक लुटेरे हैं और आएंगे और चले जाएंगे कोई इनको बहुत गंभीरता से नहीं लिया और इनके पास इंटेलिजेंस भी नहीं थी ये अंदाजा ही नहीं लगा पाए कि कितनी नहीं ताकत नहीं। हो सकती है नादिर शाह के सैनिकों में बिल्कुल तो आ, ये युद्ध हुआ और उसके बाद क्या मोहम्मद शाह ने समझौते की बात करने की कोशिश की देखिए युद्ध के बाद आ, जैसे हमने कहा सादत खां को उन लोगों ने पकड़ लिया था सादत खां को उसी रात पेश किया गया नादिर शाह के सामने इशा की नमाज़ के बाद उन्होंने आ, पेश किया है और नादिर शाह ने सादत खां से कहा कि भाई आप तो हमारे मुल्क के हैं और आ, हमें बताइए कि किस तरह से इनसे पैसे वसूले जाएं तो सादत खान ने उनको एडवाइस किया कि निज़ाम जो इनके सबसे बड़े नोबल थे आ, उनको आप सम्मान करिए और उनको सब कुछ पता है कहाँ कितना धन है और कितना वो है तो निज़ाम को बुलाया गया नादिर शाह ने कहा एक संदेश भिजवाया कि निज़ाम को हमारे यहाँ भिजवाइए और निज़ाम फिर नादिर शाह के कैंप में पहुँचे उनको पूरी आ, जिसे कहते हैं नेगोशिएट करने की पूरी पावर दी गई कि आप जितना भी चाहें वो नेगोशिएट कर सकते हैं और ये तय हुआ कि पर्शियन आर्मी वापस चली जाएगी नादशाह वापस चले जाएंगे बशर्ते आप उन्हें पचास लाख रुपए दें और ये भी तय हुआ कि बीस लाख आप अभी फ़ौरन दें बीस लाख जब वो लाहौर पहुंचेंगे तब दें और दस लाख जब भारत की सीमा पार करेंगे तब दें तो ये तय हुआ लेकिन फिर इसके बाद नादिर शाह ने बादशाह को इन्विटेशन दिया अपने कैंप में आने का मोहम्मद शाह को और मोहम्मद शाह वहाँ पहुँचे हैं और उनको वहाँ रिसीव किया है आ, नादिर शाह के बेटे ने नसरुल्ला उनका नाम था उन्होंने और फिर डिनर हुआ है इन लोगों का रात्रि भोज हुआ है और उसमें एक बड़ी मज़ेदार बात आई कि जब खाना परोस दिया गया है तो नादिर शाह ने जो अपनी डिश थी जो अपनी प्लेट थी वो आ, उनके सामने रख दी हो और उनकी प्लेट अपने अच्छा। सामने सामने ताकि ये शक ना रहे कि खाने में जहर तो नहीं मिलाया गया तो ये आ, बताने के लिए के जी जी तो ये आ, तो इस तरह शुरू में तो बड़ी ही जैसे कहते हैं दोस्ताना माहौल में बात हुई लेकिन फिर नादिर शाह ने सम्मन किया निज़ाम को कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर अभी तक बात नहीं हो पाई है न, तो आप फिर से आइए तो जब इस बार ये गए हैं निजाम तो उनको नादिर शाह के सैनिकों ने डिटेन कर लिया अच्छा, और निजाम जो थे जो वो इनके वो, नोबल वो, थे जो इनके नंबर टू या नंबर थ्री समझ लीजिए इनके दरबार में और फिर उन्हीं के जरिए एक संदेश भिजवाया गया कि बादशाह भी वहाँ आए नादिर शाह से मिलने और जब बादशाह वहाँ पहुँचे हैं नादिर शाह के कैंप में तो वहाँ उनको कोई रिसीव करने वाला नहीं थोड़ी देर तक तो वो ऐसे ही पहुँचक के खड़े रहे फिर बड़ी देर के बाद उनको नादिर शाह के सामने पेश किया गया ना। और नादिर शाह इस बार उनका पूरा रुख बदला हुआ था और फिर थोड़े फिर नादिर शाह ने बादशाह को भी एक तरह से डिटेन कर लिया गिरफ्तार कर लिया और एक या दो दिनों में बादशाह का जो पूरा हरम था उनकी जो रानिये थी और जो उनके नौकर चाकर थे उन सबको भी वहाँ बुला लिया गया आ, आ, और वहीं पर आ, उनको रखा गया और आ, फिर इसके बाद एक या दो दिन के बाद नादिर खान नादिर शाह ने सादत खां को जो जिसको उन्होंने सबसे पहले पकड़ा था जो कि जनरल थे मोहम्मद शाह जी जी उनको दिल्ली भेजा है अपने जो एक सालार थे तहसाब खान जलेर के साथ कि वो व्यवस्था कराएं व उनको वहाँ पर किस तरह से रिसीव किया जाएगा बिल्कुल और हम भी यहाँ पर आपके कमेंट्स को रिसीव करने के लिए अब बिल्कुल तैयार हैं और सबसे पहले हम कमेंट लेंगे परमवीर रावत कह रहे हैं बीबीसी ने समय समय पर अपने लीन लिसनर्स के लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम लाते रहते हैं और खेल के किस्से के बदले में ये जो नया प्रोग्राम आया है बेहद स्वागत योग्य है शाहनवाज कहते हैं पूरे मुग़ल काल पर चर्चा होनी चाहिए जिससे पता चले कि मुग़लों ने भारत में क्या क्या गलत किया और क्या क्या सही ये ये जो चर्चा का विषय है जो हम इस कार्यक्रम के बाद ही कर सकते हैं मनोज कुमार मेहता कहते हैं मुग़ल साम्राज्य के अंत का सबसे बड़ा कारण औरंगजेब का धर्मांतर धर्मांत होना था और डीके परमार कहते हैं जो भी लड़कियां लड़ी जो भी लड़ाइयां लड़ी गई थी वो सत्ता के लिए थी जाति पाति के लिए नहीं थी तो ये कुछ टिप्पणियां हमारी सामने आए हैं और आप YouTube के जरिए और Facebook के जरिए लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऐसा कैसे हुआ हमें तो हमने अभी चर्चा जितनी की है वो ये है कि युद्ध हुआ युद्ध के बाद जीत दर्ज की करनाल में नादिर शाह ने और फिर समझौते की बात हुई लेकिन वो बात नहीं बनी और फिर दिल्ली में जब इन दोनों ने साथ प्रवेश किया मोहम्मद शाह ने और नादिर शाह ने नहीं, साथ नहीं प्रवेश किया सबसे पहले मोहम्मद शाह आए। अच्छा। ताकि वो रिसीव कर सकें नादिर हाँ। शाह को हाँ। और ये जो प्रोसेशन दिल्ली में घुसा है बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस कि जब बादशाह घुसता है तो तमाम बैंड बजता है हाँ। और लोग चारों तरफ रहते हैं हाँ। तो ये बिल्कुल सिर झुकाए हुए पिन ड्रॉप साइलेंस हाँ। आ, के तौर पर हाँ। आ, दिल्ली में घुसे हैं और अगले हाँ। दिन नादिर शाह एक विजेता के रूप में घोड़े पर सवार होकर दिल्ली में उन्होंने प्रवेश किया है और उनकी जो सैनिकों ने पूरे पूरे रास्ते को लाइन अप कर रखा था शालीमार बाग से लेकर लाल किले तक का जो पूरा रास्ता है दोनों तरफ नादिर शाह के सैनिक हथियार लेकर खड़े थे और नादिर शाह ने पहुँचते ही लाल किले में जो मोहम्मद शाह का पर्सनल रहने की जगह थी उस पर नादिर शाह को ठहराया गया है और देवड़ी में बादशाह रहे यानी बादशाह का जो रहने की जगह थी वहाँ नादिर शाह पहुँच गए और बादशाह को बाहर आउट हाउसेज में रखा गया और अगले ही दिन ईदाज थी बकरीद का त्यौहार था 10 मार्च का दिन था और वहाँ पर आ, जो नमाज़ पढ़ी गई है वो भी नादिर शाह के नाम पर पढ़ी गई है परंपरा थी कि बादशाह के नाम पर नमाज पढ़ी जाती है लेकिन चूँकि नादिर शाह दिल्ली के दिल्ली पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था उनकी नाम पर नमाज पढ़ी गई दिल्ली उस ज़माने में बीस लाख आबादी थी दिल्ली की लंदन और पेरिस दोनों को जोड़कर भी आ, दिल्ली में उससे ज़्यादा लोग रहते थे आप इससे अंदाजा और सबसे आ, रिच शहर था इस्तांबुल से लेकर टोक्यो के बीच में जितने भी शहर पड़ते थे दिल्ली सबसे अमीर शहर था और जब नादिर शाह के सैनिक पहुँचे हैं दिल्ली में तो मतलब इधर उधर घूम रहे थे बिना किसी एम के और अचानक एक र्यूमर पूरे दिल्ली में फैल गई कि नादिर शाह को मार दिया गया है और पता नहीं इसका सोर्स क्या था लेकिन ये र्यूमर फैल गई और इससे बढ़ा प्रभावित होकर दिल्ली के लोगों ने ईरानी सैनिकों पर नादिर शाह के सैनिकों पर हमला करना शुरू कर दिया कि भाई अब नादिर शाह तो मरी गए हैं तो उनके तो इनको सैनिकों को मार दें और जो इनके सिपह सालार थे उन्होंने पहाड़गंज में अपने सैनिकों को भेजा है कि वहाँ पे अनाज की मंडियों को खुलवाया जाए और इनके लिए गेहूँ और मक्का वहाँ से निकलवाया जाए और फिर वहाँ पे भी कुछ विवाद हुआ आ, दाम को लेकर उसको खुलवाने को लेकर और इन लोगों ने विरोध किया दिल्ली वालों ने कि इस तरह जबरदस्ती की जा रही है और जब नादिर शाह के पास इसकी खबर पहुंची तो पहले तो उन्होंने यकीन नहीं किया उन्होंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता लेकिन फिर उन्होंने अपने एक सार्जेंट को बाहर भेजा कि जाके पता लगा कर आओ और वहीं पर जिसे कहते हैं कि मिसहैप हुआ कि वो सार्जन जैसे ही लाल किले से बाहर निकला उसको वहीं पर मार दिया गया तो और अगले दिन भी 11 मार्च को भी ये दिल्ली वालों का हमला जारी रहा इनके सैनिकों पर और नादिर शाह ने फिर वो सुनहरी मस्जिद गए चांदनी चौक में जो अभी भी है और वहाँ पर उन्होंने नंगी तलवार निकाल के अपने उससे और ये ऐलान किया कि अब दिल्ली वालों को इसका सबक सिखाया जाएगा और बिल्कुल उनका ये कहना था कि पूरा एक तरह से क़यामत जैसी दिल्ली पर आ गई सारे घर लूट लिए गए उनमें आग लगा दी गई जो भी आदमी मिला उसको उन्होंने तलवार से मारा औरतों को खींच कर ग़ुलाम बनाया गया उनके घरों पर आग लगा दी गई और ये जो कत्लआम हुआ है ये नौ बजे शुरू हुआ है और दो बजे जा कर बंद हुआ और उसके पीछे भी एक कहानी है कि जो निज़ाम थे जो इनके सबसे बड़े ख़ास आदमी थे ये नंगे सिर उनके सामने गए हैं उन्होंने अपने दोनों हाथ अपनी पगड़ी से बांधे हुए थे और उन्होंने नादिर शाह के सामने इल्तजा की है साहब आप दिल्ली के लोगों को छोड़ दीजिए जो कुछ भी सज़ा आपको देनी हो वो आप मुझे दीजिए तो ये बहुत से लोग अरेस्ट किए गए हैं खासतौर से पहाड़गंज जहाँ से ये ट्रबल की शुरुआत हुई थी और फिर उनको जमुना के किनारे पर लाकर उनको एक्सिक्यूट किया गया है उनके सिर धड़ से अलग कर दिए गए हैं अब्दुल करीम अपने मेमोरीज़ में लिखते हैं कि आठ हज़ार लोग आ, मारे गए हैं इन इन पाँच घंटों में जबकि सर एस इलियट एक बहुत बड़े हिस्टोरियन थे वो इसकी गिनती बीस हजार बताते हैं बीस हजार लोग इस पर विवाद है ना कि ये भी कम बताए जा रहे हैं जो आंकड़े है। जी अब ये आप कल्पना करें कि वहाँ बंदूक तो नहीं चल रही थी तलवारों से लोग मारे जा रहे थे और आ, पाँच घंटे ये कत्लेम चला है तो पाँच घंटे में आप कितने लोगों को आ, मार सकते हैं उसका एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है और करीब दस हज़ार लोगों ने आत्महत्या कर ली अब आप इस पूरी उससे बचने के लिए बेज़ती से बचने के लिए बहुत दिनों तक कई दिनों तक दिल्ली की सड़कों पर छाई रही लाशों की आ, क्योंकि उनको उठाया नहीं गया था और फिर नादिर शाह ने हुक्म दिया तो उन सारी लाशों को उठाकर एक साथ आ, उनको जलाया गया है मुसलमानों में जलाने का रवाज नहीं है लेकिन आ, उनके पास कोई और चारा नहीं था जिसे कहते हैं सामूहिक रूप से उन लाशों को जलाया गया जो लोग बचे थे उनके बीच में भुखमरी फैल गई क्योंकि जीव को जीवकोपार्जन का कोई साधन नहीं था और आ, आ, कुछ लोगों ने दिल्ली से बाहर भागने की कोशिश की उसका भी नादिर शाह के सैनिकों ने विरोध किया बॉर्डर पे उन्होंने सैनिक खड़े कर दिए और जो लोग बॉर्डर के बाहर भागते दिखाई दिए उनके नाक और कान उन्होंने काट दिए और वापस उनको भेजा और नादिर शाह दिल्ली में कुल मिलाकर सत्तावन दिन रहे, रहे। सत्तावन दिन रहे और कुल पंद्रह करोड़ रुपए कैश उस जमाने का पंद्रह करोड़ आ, जो आज आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते नहीं। और जितना भी हीरे जवाहरात हो सकते हैं पीकॉक थ्रोन जिसे तख्तेताउ कहते हैं वो वो लेकर गए तीन सौ हाथियों पर आ, उस सामान को आ, लादा गया और करीब दस हज़ार घोड़े और ऊंट आप समझ लीजिए कि कितनी लूट रही होगी दस हज़ार ये पूरा आ, जिसे कहते हैं जुलूस चला यहाँ से और जनरल पब्लिक को बड़ा नुकसान हुआ और क्योंकि उन उनसे कहा गया कि इतना जो ये लोग मांग रहे हैं पैसे उसको तभी दिया जा सकता है जब वो अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा बेच कर दें तो इस तरह से दो करोड़ रुपए इस तरह से जमा किए गए तो जो जनता आम लोग थे आम उनसे। जो अमीर लोग थे उनकी जो आधी प्रॉपर्टी है वो बेच दी गई और उससे जो धन मिला वो नादिर शाह को पुकारा गया और इस दौरान नादिर शाह दिल्ली में जो रहे बिल्कुल बादशाह की तरह रहे उनके सम्मान में सिक्के इशू किए गए और रोज ये आ, सब 48 दिनों में जो जितने दिन हुए सत्तावन दिन सत्तावन सिक्के भी इशू किए गए और उनके नाम से नमाज भी पढ़ी गई और जितने भी सैनिक थे उनको बड़ा लेविशली जिसे कहते हैं इनाम दिया गया उन सबको 18 महीने की तनख्वाह दी गई सारे सैनिकों को और, और जब वो जाने लगे तब उन्होंने वो जो भारत के बादशाह का जो क्राउन था दोबारा उनके सिर के ऊपर रख दिया कहा कि मेरा उद्देश्य यहाँ पर राज करना नहीं है बस मैं पैसे लेकर देकर जा रहा हूँ लेकिन यहीं पे ये जो आपने बोला कि उन्होंने अपना जो मुकुट हम ऐसे कहेंगे कि मतलब वहाँ पे उनको दे दिया लेकिन उसमें कहानी ये भी है कि वो कोहिनूर जो है वो लूटा सबसे पहले नादिर शाह नहीं था तो ये कहानी कैसे देखिए ये इसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है कई लोगों ये बड़ी मशहूर किताब है विलियम डेल डर, डलरम्पल और अनीता आनंद की कोहिनूर पर इसमें जिक्र है कि उनके दरबार में मोहम्मद शाह के दरबार में एक नर्तकी थी नूर बाई और नूर बाई ने ये मुखबरी की नादिर शाह को यह बताया कि ये जो कोहिनूर है ये अपनी पगड़ी के बीच में रखते हैं नहीं। नहीं। तो और इससे पहले नादिर शाह को इसके बारे में पता नहीं था नहीं। तो जब वो जाने लगे जब उन्होंने वो मुकुट उनके सिर पर रख दिया तो फिर उन्होंने कहा कि एज ए मैटर ऑफ गुडविल आइए हम लोग अपनी पगड़ियाँ बदल लें तो नादिर शाह ने अपनी पगड़ी उतारकर मोहम्मद शाह के सिर पर रखी और मोहम्मद शाह की पगड़ी लेकर अपने सर पर रखी और ये और, वो कब कर पाए थे बिल्कुल आखिरी क्षण जब वो जब जा रहे थे और इस तरह से कोहिनूर उनके हत्थे पड़ा और जिसके बारे में मशहूर था कि करीब दो लाख लोगों को एक साल तक खाना खिलाया जा सकता है अगर उसको बेच दिया जाए उससे धन को और नादिर शाह ने ही उसका नाम कोहनूर रखा जब उन्होंने उसको देखा तो उनके मुंह से निकला कोहनूर और तब से उस हीरे को कोहनूर के नाम से पुकारा जाने लगा इसके अलावा नादिर शाह तख्ते ताउस जो बहुत बड़ा पीकॉक थ्रोन था शाहजहाँ के ज़माने का नौ करोड़ रुपये उस ज़माने में उसका मूल्य आंका गया था उसको भी लेकर ईरान गए अपने साथ ये अलग बात है कि बाद में तख्ते ताउस के कई हिस्से किए गए उसमें जो रत्न जड़े हुए थे उसको टुकड़ों में किया गया लेकिन उसका एक रेप्लिका अभी भी ईरान के जो म्यूज़ियम्स हैं उसमें रखा हुआ है वो ओरिजिनल तख्ते ताउस नहीं है नहीं। वो तो उसी वक्त टूट गया था बिल्कुल और ये आप देख सकते हैं नादिर शाह की ये तस्वीर है इसी में वो जो जिस पिकॉक थ्रोन की रिहान जी बात कर रहे हैं वो भी यहाँ पर आपको दिखा हम लोग लगातार इस कार्यक्रम में दिखा रहे हैं जो पूरा वो पिकॉक से मोर से वो पूरा सिंहासन दो मोर है पीछे और इस तरह से वो पूरा सिंघासन मयूर सिंहासन जिसे कहते हैं तख्ते तख्त ताउत ताऊस जो है वो था और इसी के साथ आज के ऐसा कैसे हुआ में हम आपसे विदा लेते हैं नादिर शाह की लूट और आ, किस तरह से उसने क्रूरता दिखाई थी दिल्ली में उसकी आज हमने चर्चा की नमस्कार नमस्कार